अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय, वेलकम टू माय चैनल सीएस प्रॉब्लम्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है CS601 डेटा कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन असल में होता है। डेटा कम्युनिकेशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। अब यहाँ पर मैंने फाइव वर्ड्स हैं जिनको मैंने सर्कल कर दिए डेफिनेशन में। नंबर वन इज़ एक्सचेंज, नंबर टू इज़ इंफॉर्मेशन, नंबर थ्री इज़ एंटिटी, नंबर फोर इज़ ट्रांसमिशन एंड नंबर फाइव इज़ मीडियम। अब ये सारे हमारे पास क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं असल में डाटा कम्युनिकेशन के। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या मतलब इस बात का, एक्सचेंज कर रहे हैं क्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, हमारे पास कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, कुछ मतलब फाइल हो गई, इमेज हो गई, 01 बाइनरी हो गई, डिजिटल डाटा हो गया, ये सारी क्या है हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन है। एंटिटी हमारे पास क्या होती है कि एक कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कौन कौन किस डिवाइस से आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ठीक है। ट्रांसमिशन यानी कि आप सेंड कर रहे हो, मीडियम यानी कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, वायर्ड कौन सी यूज़ है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, कौन सी केबल्स, ये आपकी जो होती हैं, ये क्या होते हैं, मीडियम्स होते हैं असल में। वेन वी कम्युनिकेट वी शेयर इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इट्स मीन वी आर शेयरिंग अवर इन्फॉर्मेशन। तो जब हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है लोकल और एक होती है रिमोट। लोकल क्या होती है कि जब हम कम्युनिकेशन जो अकर होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होती है उसको बोलते हैं लोकल। रिमोट कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हम बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं थ्रू अ नेटवर्क, वो क्या होती है, हमारी रिमोट कम्युनिकेशन होती है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, अब ये हमारे पास तीन इफेक्टिवनेस हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। एक तो आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और जिसको जिस रेसिपिएंट को आप भेज रहे हो उसी को मिलना चाहिए, डिलीवर टू द एक्यूरेट रेसिपिएंट। और टाइमलाइंस यानी कि इट्स बेटर कि आपका जो डाटा है वो टाइमली पहुंच जाए, या तो पहुंचे ही ना या फिर टाइमली पहुंचे, लेट ना पहुंचे। ये होती है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको हम। उसके बाद हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। बेसिकली हमारे पास फाइव कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहले हमारे पास मैंने ये दो डिवाइसेस बनाई हैं, कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू। कंप्यूटर वन इज़ अ सेंडर, कंप्यूटर टू इज़ अ रिसीवर। सेंडर है, रिसीवर है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। सेंडर और रिसीवर क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्या सेंड कर रहे हैं, मीडियम के थ्रू। अब मीडियम आपको बताते हैं कौन सा मीडियम होगा, और इसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने मैंने फाइव कंपोनेंट्स लिखनी है कि मैसेज होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है और प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा मैसेज क्या होता है। मैसेज ये होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन सेंड करें वो क्या है। इन शॉर्ट के ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी के फॉर्म में भी। अब इन्फॉर्मेशन की भी ना आगे से फाइव टू सिक्स टाइप्स होती हैं। इन्फॉर्मेशन क्या मतलब कि आपकी फाइल्स भी हो सकते हैं, मैसेज जो आपका है, ठीक है। मैसेज आपका फाइल्स हो सकती हैं, यानी कि जो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। इसके अलावा आपके जो जो होता है मैसेज होता है वो ये भी होता है कि आप एक डेटाबेस की क्यूरी सेंड करते हो रिसीवर एंड पे, कि क्या उसको ये डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्यूरी सेंड करते हो डाटाबेस वेबसाइट्स पर कि ये डाटा रिसीव हो रहा है अगले बंदे को कि नहीं। जीरो और वन की परफॉर्म में देखें, अगर वन रिटर्न हो रहा है तो इट्स मीन कि अगले बंदे को डाटा आपका रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास होती है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट यानी कि सेंड करना। उसके बाद हम रिस्पॉन्स यानी कि उस रिसीवर का रिस्पॉन्स बैक आएगा, फीडबैक आएगा, वो हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तीसरा हमारे पास फोर्थ वन है स्टेटस मैसेज, यानी कि अबाउट द नेटवर्क फंक्शनल स्टेटस, कि नेटवर्क में कि मैसेज जो सेंड हो रहा है नेटवर्क इज़ फंक्शनल और नॉट। और कंट्रोल मैसेज यानी कि ट्रांसमिटेड बिटवीन अ नेटवर्क डिवाइसेस टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। उसके बाद हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस अमंग नेटवर्क यूजर्स, ये हमारे पास फाइव कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी तो सिर्फ हमने ये फाइव कंपोनेंट्स बनाए ना, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब देखो एक मेल जो ट्रांसफ़र होती है, सबसे पहले हम देखते हैं एक मेल है। आपने अपने कंप्यूटर से क्या किया, आपने एक कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रांसमिट करनी है चीज़, मैसेज सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है। सबसे पहले क्या होगा, सोर्स मैसेज आपने अपने कंप्यूटर पे टाइप किया, वो बाइनरी की फॉर्म में था, उसने उसको कन्वर्ट किया। सपोज आपने
बाइनरी में जी लिखा, ठीक है, उस जी को आपने ट्रांसमिट किया, जब भी ये डाटा ट्रांसमिट होता है ना, तो वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, तो इसने ना इसको डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब डिजिटल में कन्वर्ट हुआ तो आगे इसने ट्रांसमिट करने से पहले इसको क्या किया, एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब ये एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम था, इसने क्या किया, इसको आगे अगली डिवाइस पे सेंड किया। ये आपकी रिसीवर की डिवाइस थी, ठीक है, रिसीवर की डिवाइस पे सेंड किया, उसमें भी एनालॉग किया। लेकिन अब यहाँ पर तो एक्चुअल डाटा हमने स्टार्ट में डिजिटल में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया, इस वापस जाकर इस जगह पर वापस इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, और डेस्टिनेशन में भी जाकर आपको अपना डाटा रिसीव हो गया। ये हमारे पास सिंपल, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिट किया। क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि यूजर ने पीसी ऑन किया, ठीक है, वहां पर उसने मैसेज टाइप किया एम, ठीक हो गया। अब यूजर एक्टिव है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मेल खोली, ठीक है, वहां पर उसने ये मैसेज टाइप किया और वो सेंड कर दिया। अब सेंड करते वक्त उस मैसेज के लिए उसने एक इनपुट डिवाइस यूज की थी, कीबोर्ड, ठीक हो गया। अब क्या किया, वो अब मेमोरी में जाके उसका मैसेज सेव हो गया, और फिर वो मैसेज हम लोगों ने उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया, ट्रांसमीटर उसको बोलते हैं, यहाँ से ये ट्रांसमीटर है आपका, और ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसने डिजिटल डिजिटल सिग्नल ट्रांसमीटर में आया, इसने इसको आगे एनालॉग में कन्वर्ट किया, ट्रांसमिशन सिस्टम में गया, ट्रांसमिशन सिस्टम ने आगे ट्रांसमिट किया किसको, रिसीवर को, रिसीवर ने आगे इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में यानी कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया और डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिट करने का तरीका था कि असल में ट्रांसमिशन जो हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है हमारी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।